अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती को शीर्ष आलाकमान द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलों से शहर जिला कांग्रेस में पैदा हुआ आक्रोश। निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक कर जताया विरोध। शीर्ष आलाकमान को दी चेतावनी, यदि साध्वी को दिया गया टिकट तो शहर जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता देंगे सामूहिक इस्तीफे। गुरुवार को केसरगंज स्थित शहर जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक आवश्यक बैठक आहूत कर निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती के धर्म विरोधी बयान और क्रियाकलापों के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने न केवल उन्हें कांग्रेस में शामिल किया बल्कि उन्हें उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी भी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक सच्चा कांग्रेसी कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साध्वी अनादि सरस्वती के धर्म विशेष के बारे में दिए गए अनर्गल बयान यूट्यूब पर सर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में अजमेर में साध्वी का घोर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पुनर्विचार कर इसे तत्काल कांग्रेस से बाहर करना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस में जो बगावत होगी उससे कांग्रेस के लिए यह कदम आत्मघाती सिद्ध होगा। और जहां कांग्रेस राज्य में सरकार रिपीट करने की बातें कर रही है, वहीं पूरे राज्य में कांग्रेस की करारी हार होगी, जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व होगा। इस मौके पर साध्वी अनादि सरस्वती के खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगाए गए। बैठक में कांग्रेस के पार्षद, ब्लॉक व मंडल के पदाधिकारी सहित बूथ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्य बैठक होने का कारण रहा कि जिस तरह हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के अंदर सभी 36 जातों को शामिल किया हुआ है, कांग्रेस सभी धर्म का सम्मान करती है, कांग्रेस के अंदर कोई जातिवाद का जहर नहीं है। और ऐसे व्यक्तित्व जो जातिवाद का जहर बोल रहे हैं, समय समय पे समुदाय विशेष के लिए बहुत अपशब्द बोले हुए हैं, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में रहते हुए उन्होंने उमा भारती और रितंबरा जैसे जो बोलने वाली जो साध्वियों के रूप में एक समाज की ऐसी महिलाएं थी जो समाज में विरोधाभास पैदा करती थी, भाई से भाई को लड़ाने काम करती, उसी तर्ज पर जो अजमेर में जो है यहाँ जो है हमारे बीच में इनको भेजना, ये समझ लो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही ऐसा दिवस है, काले रूप के दिवस के रूप में जो है अजमेर कांग्रेस के लिए हुआ, क्योंकि जो है इधर इनका आना और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है विरोधाभास होना, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही जो है विरोध में है और शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने गुमराह किया है उनके खिलाफ भी रोष है कि इस तरह से इसके आने पर शहर कांग्रेस कमेटी का हमारे बूथ से लेके और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज बैठक बुलाकर जो है इसका निर्णय भी लिया, सबकी सहमति थी जिसमें पार्षदगण भी थे, और इसमें जो है हमारे जो है अनादि सरस्वती नाम की जो महिला है उस साधु के रूप में वो एक समाज के अंदर द्वेषता फैलाने वाली महिला है, उसको कांग्रेस की विचारधारा कहीं भी मेल नहीं खाती है, उसको कांग्रेस में जो शामिल किया जा रहा है और कांग्रेस ने जिस तरह उसको आगामी उत्तर विधानसभा से टिकट देने का जो निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ जो है हमारे सभी पदाधिकारियों ने विरोध किया है कि उसके साथ कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा और कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। शीर्ष नेतृत्व को इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, इस पर रिव्यू करा के और जो है किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दें। महिला सिंधी जी है तो महिला सिंधी भी हमारे अंदर है, हम हर समाज से हमारे कार्यकर्ता हैं, आप उनको दें पूरा सम्मान और उन्हें हम जिता के भेजेंगे। कांग्रेस में अगर इस तरह के लोगों को भेजा जाएगा तो हमारा जो समुदाय विशेष तो विरोध में है ही, इसका असर जो है अजमेर जिला ही नहीं पूरे राजस्थान में पड़ेगा और आगामी लोकसभा चुनाव तक में पड़ेगा, और उनका कोई व्यक्तियों का पता नहीं अभी हारने के बाद वापस तो दूसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और इस तरह के शब्द बोलने लग जाएं, तो उनका पुरजोर विरोध करते हैं और हम शीर्ष नेतृत्व को अभी तुरंत प्रभाव से मेल भी भेज रहे हैं। टिकट में कोई बदलाव नहीं होता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, कोई निर्दलीय उम्मीदवार या कोई अपने नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार कोई नहीं, हम काम नहीं करेंगे, कोई इस्तीफे देंगे इसके विरोध में बिल्कुल, जो इस्तीफे भी देने पड़ेंगे तो इस्तीफे भी देंगे, और भी अगर कोई हमारा कार्यकर्ता अगर इसके लिए जो अपने स्वतंत्र है, क्योंकि उसने जब कह ही दिया कि हम इनका साथ नहीं देंगे तो स्वतंत्र अपने हिसाब से कुछ भी काम करें। कांग्रेस ने अपने उदयपुर अधिवेशन में फैसला किया था कि किसी को भी पैराशूट उम्मीदवार होगा उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी से निकल कर तुरंत आ रहे हैं और टिकट की बात चल रही है। देखिए वो प्रक्रिया का मैं कुछ नहीं कह सकता, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, लेकिन ये विचारधारा इनकी बहुत गलत है।
इन्होंने हमेशा भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। इनके यूट्यूब पे के ऊपर जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे, इनके कई जो है फोटोग्राफ्स और वीडियो जो है आपत्तिजनक स्थिति में है, जहाँ आज समाज में हम सुनाएं तो समाज के अंदर द्वेषता फैल जाएगी, समाज के अंदर भाईचारा खराब होगा। उस स्थिति में अगर हम इनको टिकट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आत्मघाती कदम उठाएगी कि जो है खुद अजमेर तो हारेगी और पूरे राजस्थान में इसके परिणाम खराब होंगे। जहाँ हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं वहाँ हम सरकार की सारी सीटें खोने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को किसी भी सूरत में टिकट नहीं देना चाहिए।